नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बड़ी खबर आपको बताते हैं होटल से, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा है। राजस्थान डिपो सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। बड़ी खबर आपको बता रहे होटल से, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान डिपो पर सीएम फ्लाइंग की टीम यहां पर छापा मारने पहुंची। छापेमारी यहां पर की गई है। छापेमारी के दौरान यहां पर 81 क्विंटल गेहूं का गोलमाल और इसी के साथ डिपो होल्डर शीला देवी के खिलाफ यहां पर आगे तैयारी हो रही है एक्शन की। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, यहां पर छापे मारने में यहां पर तमाम चीजों को यहां पर बारीकी से जांचने की टीम, सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर छापा मारा है होटल से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान डिपो पर सीएम फ्लाइंग की टीम का छापा पड़ा है। छापेमारी के दौरान 81 क्विंटल गेहूं का गोलमाल किया गया है, ये सामने आई है सच्चाई। डिपो होल्डर शीला देवी के खिलाफ गबन का मामला दर्ज। तो पुलिस ने फिलहाल देखिए यहां पर गेहूं की बोरियों को कब्जे में ले लिया है। गबन के मामले में यहां पर केस दर्ज किया गया है। जो गेहूं की बोरियां यहां पर मिली है, जिनका गोलमाल किया गया है, उन्हें यहां पर कब्जे में लिया होटल से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर छापा मारा राशन डिपो पर। यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम छापा मारने पहुंची। तस्वीर भी देखिए आपको एक तरफ दिखा रहे हैं यहां पर, और दौरान यहां पर कार्रवाई भी की गई। छापेमारी के दौरान यहां पर 81 क्विंटल गेहूं का गोलमाल पाया गया है। डिपो होल्डर शीला देवी है, जिनके खिलाफ यहां पर गबन का मामला दर्ज कर लिया गया है। बोरियों को यहां पर कब्जे में लिया है पुलिस ने। गेहूं की बोरियों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गेहूं की बोरियों को कब्जे में लिया है, बड़ी खबर ये होटल से। देखिए आपको बता रहे हैं, टीम की यहां पर मुस्तैदी के चलते यहां पर गोलमाल सामने आया। 81 क्विंटल गेहूं का यहां पर गोलमाल बताया जा रहा। राजस्थान डिपो पर सीएम फ्लाइंग की टीम का पड़ा छापा। तो बड़ी खबर ये, डिपो होल्डर शीला देवी के खिलाफ यहां पर गबन का मामला दर्ज कर लिया गया है, और इसके आगे पुलिस आगे जांच करेगी। पुलिस ने यहां पर गेहूं की बोरियों को भी कब्जे में लिया। बड़ी खबर सब देखिए आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज होटल से ही बड़ी खबर है। सीएम फ्लाइंग की टीम का पड़ा है ये छापा, जिस दौरान यहां पर 81 क्विंटल गेहूं का गोलमाल जो है वो यहां पर सामने आया। सहयोगी ऋषि जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर, सीधे ऋषि के पास चलेंगे। ऋषि यहां पर देखिए 81 क्विंटल गेहूं का जो गोलमाल दिखा है, इसके बाद कार्रवाई भी हो रही है, गबन का मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन ये पूरा खेल कैसे हुआ, क्या कुछ अभी तक बातें सामने आई है पूछताछ में पुलिस की? जी शिवानी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला होटल का है। होटल के गड़ी मोड़ पर 1-7 नंबर वार्ड का डिपो था, जहां पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम को सूचना मिली कि यहां पर काफी दिनों से गबन किया जा रहा है और जो गरीबों का राशन है वो यहां पर वितरित नहीं किया जाता। उसी को लेकर सीएम फ्लाइंग ने खाद्य आपूर्ति विभाग को साथ लेकर यहाँ पर मौके पर छापेमारी की, जहाँ पर 108 क्विंटल 23 किलोग्राम जो गेहूं का जो बड़ा ही घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग ने होटल थाना पुलिस को शिकायत दी है। और पुलिस ने डिपो जो महिला के नाम से डिपो था शीला देवी, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और मौके पर जो भी वहां पर गेहूं की बोरियां मिली हैं, खाली बोरियां मिली हैं, उनको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ठीक है, यहाँ पर जांच को आगे तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके साथ जो शीला देवी जो होल्डर है उनको भी यहाँ पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। क्या अभी तक उनसे कोई पूछताछ हो पाई? जी वहाँ इस बारे में वहाँ पर जब पुलिस में मामला दर्ज किया गया है तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, लेकिन शीला देवी वहाँ मौके से फरार मिली है। और पुलिस का कहना है कि जल्द जल्द शीला देवी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी, कब से गबन किया जा रहा था और कहाँ कहाँ पर ये बेचा गया है। जो मीलों में बताया जा रहा है कि कुछ आटा मील है जहाँ पर ये जो अनाज बेचा गया, उनके खिलाफ भी पुलिस जांच में जुटी हुई है, और उसके आधार पर तथ्य मिलने के आधार पर मील मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हमें बना कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो आगे देखिए कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। डिपो होल्डर के खिलाफ यहाँ पर एक्शन की तैयारी।